हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं J2 2016 और J2 Pro फोन के लिए थीम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई एक वीडियो बना दो जिसमें आप ये बता दो कि कैसे हम अपने J2 2016 और J2 Pro फोन के लिए थीम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक पहला भी वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा ये आपको रियलिटी बता देता हूँ कि क्या आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं थीम या नहीं कर सकते हैं। तो पूरा चीज मैं आप लोगों का यहाँ पे एकदम क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, थीम का असली मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। थीम का असली मतलब ये होता है आइकन चेंज हो जाना, दूसरी बात उसका UI पूरा एकदम बदल जाता है। जैसे कि आप लोग अगर Redmi का फोन यूज करते होंगे तो उसमें आप लोग थीम स्टोर देखे ही होंगे कैसा थीम रहता है, मतलब पूरा एक तरीके से सब एक सिस्टम बदल जाता है। ऐसे ही Samsung का फोन अगर आप यूज करते हो, अगर उसमें थीम सपोर्ट रहता है, जैसे कि नौगट वाले फोन के अंदर रहता है Samsung फोन में, तो आप उसका देखते हो थीम कितने अच्छे अच्छे थीम्स रहते हैं। तो दोस्तों यही एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप थीम बदल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बदलना है J2 2016 और J2 Pro फोन में, तो आपका थीम नहीं बदलाएगा। बहुत ज्यादा आप कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बस आइकन ही बदलेगा और थीम वहां पे कुछ नहीं बदलेगा। बस ये एक अफवाह सा रहता है कि यार इसमें थीम सपोर्ट है या ये कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैमसंग के J2 2016 और J2 Pro फोन में सिर्फ आपको 4 ही थीम मिलता है और उसके सिवा आप इतने बड़े मतलब वो नहीं है हम लोग यहाँ पे एज अ डेवलपर की उसमें हम उसमें कुछ थीम उम डाल दे। बस एज अ UI मिल जाएगा आपको, आइकन बस बदल जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। तो बस अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो। और इसके लिए दोस्तों अगर बहुत है तो नोवा लॉन्चर या कोई आइकन पैक डाउनलोड कर लो, उससे अच्छा थीम आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा। तो यही बताना था आप लोगों को दोस्तों। और मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा आप उत्तेजित हो रहे हैं कि यार हमको थीम चाहिए, हमको थीम सपोर्ट चाहिए, हमको पूरा UI बदलना चाहिए, तो अगर आप J2 2016 या J2 Pro फोन यूज कर रहे हैं 1-1.5 साल से, तो यार आप फोन को बदल दो एक तरीके से। क्योंकि मैं खुद अभी Redmi Note 4 यूज कर रहा हूँ, Redmi Note 5 Pro भी है मेरे पास, तो दोनों में काफी अच्छे खासे थीम्स हैं, तो उसमें का थीम मुझे देखने में काफी अच्छा लगता है। और J2 2016 में मैंने थीम ट्राई किया था वैसा वाला, लेकिन कुछ खासा असर नहीं पड़ा, बस आइकन चेंज होता है। तो अगर आपको थीम चाहिए या तो Redmi का फोन आप ले सकते हो, या चाहो तो आप Samsung का ही फोन ले सकते हो जिसमें नौगट का सपोर्ट रहे या थीम का सपोर्ट रहे, तो उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया थीम है। तो बस यही बताना था दोस्तों, अगर बहुत है तो ज्यादा से ज्यादा नोवा लॉन्चर से आप थीम बदल सकते हो, और कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर आप एक वीडियो बना दो, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।